की बात करेंगे जिसका शंखनाद हो गया है और जम्मू से निकला है कल श्रद्धालुओं का पहला जत्था। आज अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाला है जत्था। श्रद्धालु बालटाल से रवाना हो गए हैं, कोई घोड़े पर तो कोई पालकी पर यात्रा के लिए निकल गया है। लगभग 13 किलोमीटर लंबी यात्रा करके वो अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज ही बाबा बर्फानी के पहले दर्शन होंगे। बम बोले, बम बोले। और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम पहलगाम से जा रहे हैं सर, चंदनवाड़ी जाएंगे सर हम जी, और बालटाल से उतरेंगे हम। बताइए कि कितनी उत्साह हो रही है कि बाबा के? हमें बहुत इच्छा है बाबा जी की, बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं, और हमें बहुत उत्साह होती है बाबा जी के दरबार खुलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बेचैनी तो सबको रहती है, इतनी मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो बेचैनी तो रहेगी। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुंचे और दर्शन हो जाए बाबा की। व्यवस्था की, व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बहुत बढ़िया है, अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज्यादा अच्छा रहता भी है और है भी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ, मैंने बहुत अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस की है चीज़ें, यहाँ का व्यू, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। तो फाइनली 29 जून का वो दिन आ ही गया जब देश भर के अन्य अन्य विभिन्न राज्यों से जो लोग आएंगे आज वो भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और इस समय हम बालटाल में मौजूद हैं, बालटाल से सुबह 4 ही बजे यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर जो श्रद्धालु है वो अपनी सुविधा अनुसार यात्रा करेगा। आज पहले दर्शन करेंगे, कैसा लग रहा है आपको जी? आज मन में अपार खुशी है, सभी श्रद्धालुओं में इतना जोश उल्लास और हर्षोल्लास है कि बम बम भोले के जयकारे लगाकर वो पवित्र गुफा के दर्शनों को जा रहे हैं। खुशी है, मैं लुधियाने से आया हूँ, पहली बार आया हूँ दर्शन करने पर, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अलग अलग मन में श्रद्धा भाव होता है, तो देखिए किस तरीके से बम बम भोले के जय घोष लगाते हुए ये जो श्रद्धालु हैं। यहाँ पर हमने देखा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है, यहाँ पर आला अधिकारी पुलिस की हो या सीआरपीएफ की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और खास अगर आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। यात्रा मार्ग बालटाल है ये, और बालटाल से यात्रा जो है वो आगे बढ़ी। जिस तरीके से हमने कहा कि घोड़े की सुविधा यहाँ पर है, पालकी की सुविधाएं यहाँ पर है, और हर तरीके की सुविधा यहाँ पर है। बालटाल से आगे भी जाएंगे, दोमेल जाएंगे, दोमेल से अगले पॉइंट पर जाएंगे, आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे। यात्रा की शुरुआत हमने आपको बताई कैसे सुबह 4 बजे यहाँ से जत्था जो है रवाना हुआ है यात्री बेस कैंप बालटाल से, और आज ही पवित्र गुफा के समस्त देशवासियों को दर्शन होंगे न्यूज 18 चैनल के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज 18 इंडिया। वहीं आपको बताएंगे जल्दी वाराणसी में शुरू होने जा रहा है देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। माना जा रहा है कि रोपवे से काशी में गोदोलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में सिर्फ 16 मिनट लगेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक काशी रोपवे का सपना साकार होने जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी में अब रोपवे से ट्रॉली चलेंगी। वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट बन रहा है। पहले चरण का 70% काम लगभग पूरा भी हो गया है। जुलाई में कैंट से रथ यात्रा तक ट्रायल रन किया जाएगा। रोपवे की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर होगी। इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन भी होंगे। इन 4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा जहां से रोपवे शुरू हो रहा है, दूसरा विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा, चौथा और अंतिम स्टेशन गोदोलिया होगा। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा के बीच कुल 18 टावर लगाए जाने हैं, इनमें से 12 टावर खड़े हो चुके हैं। दूसरे चरण में रथ यात्रा से गोदोलिया के बीच काम शुरू होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 28 टावर खड़े होंगे और 4 स्टेशन बनेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्राइम टॉप 10।